A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel Grow With Me. I am here with a very fresh unit of BPCC 101 that is basically thinking and language. Okay, this particular session is basically for BPCC 101 IGNU BA Psychology Honours first year. Okay, so let's get started with the content with the first of all few more things, that is that this is an educational channel. If you find anything helpful to you, whether it's the notes or the representation or the flowcharts or the explanation, you can actually just hit the subscribe button, do like it and share it to the needy so that the further updates or the new sessions are not missed by you. So you need to be connected for more content. Okay, now let's get started. The very first thing that we should be known to or we should be aware of is the content. तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं सेशन में उसका कंटेंट क्या है. तो आज हम जो है थिंकिंग कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में. तो आज हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो हम एक बेसिक जो फाउंडेशन है इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए वो तैयार करेंगे. तो हम इसके अंदर अपने कुछ बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे. देन कम्स द मेन थिंग दैट इज थिंकिंग, जो आपके सोर्स आपका इग्नू का BPCC 101 का हैंडबुक है. And then we the types of thinking, and then we would study about the primary mode of thinking. Basically क्या sources होते हैं या फिर किस जरिए हम अपनी thinking को represent कर पाते हैं सबके सामने. ठीक है, so let's get started now. Let me skip to next slide, which is yes. So now thinking. थिंकिंग इज़ अ हायर मेंटल प्रोसेस. ये एक मेंटल प्रोसेस है. मेंटल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये माइंड के अंदर टेक प्लेस करता है. ठीक है, हमारे माइंड और ब्रेन का यूज़ होने के बाद हम जो है अपने एक पर्टिकुलर डिसीजन तक पहुँचते हैं. ठीक है, तो थिंकिंग इज़ बेसिकली अ हायर मेंटल प्रोसेस. ये जनरल नहीं है और हर कोई थिंकिंग के अंदर बेसिकली एक सिमिलर लेवल पे नहीं होता. ठीक है, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है. थिंकिंग को लेके हम अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज थिंकिंग इज़ अ हायर मेंटल प्रोसेस. ओके, नाउ कम्स थिंकिंग इज़ बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ टू थिंग्स. आपकी जो थिंकिंग है वो दो चीज़ों के हिसाब से चलती है. एक तो रैशनल एंड इरेशनल. आपके जो रैशनल कॉन्सेप्ट्स होंगे और आपके जो इरेशनल कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो आपकी नॉलेज होगी, ये सारी चीज़ें मिला के जो है एक थिंकिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है हमारे ब्रेन या माइंड के अंदर. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज रैशनल के अंदर क्या होता है, हमारे एविडेंसेस आ जाते हैं. ठीक है, और इरेशनल के अंदर हमारे एजम्पशंस आ जाते हैं. तो जब भी कोई एक न्यू डिस्कवरी की जाती है या फिर जब भी कोई एक न्यू थ्योरी निकाली जाती है या फिर आप कोई बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में होते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग दी जाती है या फिर आप किसी सिचुएशन में होते हो या स्टिमुलाई होता है, क्वेश्चन होता है, तो आप पहले कुछ चीज़ें एज्यूम करके चलते हो. मतलब आप कुछ चीज़ें पॉसिबल आउटकम जो है वो आप एज्यूम करके चलते हो, कोई थ्योरी एज्यूम करते हो और फिर आप एविडेंसेस ढूंढते हो जो कि आपके एजम्पशन को बेसिकली सपोर्ट करेगी और आप फिर एक फाइनल डिसीजन तक पहुँच जाओगे. तो आपके जो रैशनल और जो इरेशनल एस्पेक्ट है दोनों का ही एक अच्छा इंटर रिलेशन, एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है, एक अच्छा सिंथेसिस आपकी थिंकिंग को मैनिफेस्ट करता है या फिर फैसिलिटेट करता है. ठीक है, नाउ कम्स मेंटल इमेजेस. मेंटल इमेजेस, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रपोजिशंस आर बेसिकली यूज्ड एज अ मीडियम और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. आप अपने थिंकिंग को अपने माइंड, क्योंकि मेंटल प्रोसेस है. ठीक है, मेंटल प्रोसेस है तो ये इनविजिबल है. ठीक है, आप हर किसी को अपना थिंकिंग प्रोसेस नहीं दिखा सकते कि इस टाइम आप क्या सोच रहे हो, क्या एनालाइज कर रहे हो, है ना. तो आपके मेंटल इमेजेस, कॉन्सेप्ट्स और प्रपोजिशन जो है एक मीडियम बनते हैं आपके लिए, एक मीडियम बनते हैं या मोड बनते हैं जिसके थ्रू आप अपने जो थिंकिंग की जो प्रोसीजर है उसको एक पिक्चर दे पाते हो अपने ब्रेन के अंदर. और जितने अच्छे आप मेंटल इमेजेस बनाते हो, जितनी अच्छी तरह आप कॉन्सेप्ट्स फॉर्म करते हो, उतनी ही अच्छी तरह आप अपने जो बिहेवियर में है अपना रिस्पॉन्स या फिर अपना एक्शन जो है एग्जिबिट कर पाते हो. ठीक है, सो ये था एक कुछ ना कुछ इंट्रो. नाउ लेट मी मूव अहेड. सो हियर वी कम टू सम रिप्रेजेंटेशन.
नाउ कम्स द थिंग कि हमें कुछ चीज़ें ना पहले पता होनी चाहिए कि दो तरीके की थिंकिंग होती है, ठीक है? एक तो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं, आप अपने आप को ऑल पॉसिबल वेज जिससे कि आप एक सॉल्यूशन तक पहुंच पाओ सारी चीज़ों को बेसिकली कि मल्टी डायमेंशनल तरीके से आप एक सिचुएशन तक पहुंचने की कोशिश करते हो, ठीक है? और एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, हम सिर्फ एक डायरेक्शन में अपने सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, हम सिर्फ एक डायरेक्शन में अपने चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो डाइवर्जेंट थिंकिंग की वजह से हमारी क्रिएटिविटी भी एनहेंस होती है। एक चीज़ जो आपको देखने को मिलती है कि अगर हमें प्रैक्टिकलिटी में रहना पड़ता है या फिर हम अगर हम एक लाइफस्टाइल में रहना पड़ चाहते हैं या फिर एक सोसाइटी में आप उतरना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा जो है डाइवर्जेंट थिंकर बनना पड़ता है, क्योंकि आप एक बेसिकली प्रैक्टिकल दुनिया में घुसेंगे, आप रियलिटी जानेंगे, तो आपको ज़्यादा बेसिकली अपने माइंड को यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा मीन्स के थ्रू बेसिकली मल्टी डायमेंशनल तरीके से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक या अपने अचीवमेंट या एम तक पहुंचने के लिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग कहीं ना कहीं हमारे जो माइंडसेट है और हमारे जो बिहेवियर है, हमारी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव और उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं बना पाती, इसीलिए हम ज़्यादातर जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग को बेसिकली फेवर किया जाता है एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो आपको देखने को मिलेगा कि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है ना, वैसे अगर हम देखें तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट का एक जो इंटरैक्शन होगा, एक जो हम बेसिकली एक दोनों को जब हम फैसिलिटेट करके एक साथ अगर हम यूज़ करते हैं ना तो वो बेस्ट रहता है। बिकॉज कन्वर्जेंट थिंकिंग का बिल्कुल साइड इफेक्ट ये नहीं है कि सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग उतनी केपेबल नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आपकी फैक्ट बेस्ड नॉलेज होती है, ठीक है? फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा होती है, ठीक है? और वहीं पे डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आपकी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ज़्यादा होती है। तो अगर हम अपने फैक्ट अगर हमारे पास फैक्ट बेस्ड नॉलेज नहीं होगी तो एक फाउंडेशन भी तैयार नहीं हो सकता हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए। तो हमें दोनों का एक इंटरैक्शन या एक इक्वल यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये स्किल आनी चाहिए कि हम कैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग को और कैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग को एक साथ यूज़ कर पाएंगे ओवरलैप करके सिचुएशन में जैसे भी ज़रूरत होगी, है ना? तो दोनों का यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल डीप फोकस या फिर पूरा का पूरा डिपेंडेंट होना सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग पे एक इंडिविजुअल को एप्लीकेटिव नेचर से सोसाइटी के या किसी भी चीज़ के जो एप्लीकेटिव साइड होती है उससे हिंडर करता है, हैम्पर करता है। तो हमें दोनों ही तरीके से एक इंडिविजुअल को या स्टूडेंट को या चाइल्ड को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है? नाउ लेट्स मूव फर्दर टू थिंक दैट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एज वी ऑल नो, क्रिएटिविटी का मतलब होता है जब हम कुछ नया, कुछ ओरिजिनल और कुछ नया, समथिंग न्यू, है ना? हम कुछ नया आइडिया के साथ आते हैं या हम कुछ नए थ्योरीज के साथ या फिर नए तरीके या सोर्सेज, मीडियम कुछ भी कह लीजिए, ठीक है? व्हेन वी एक्चुअली क्रिएट समथिंग ओरिजिनल एंड नोवल, ठीक है? तो क्रिएटिविटी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक पर्सन की लाइफ स्टाइल के अंदर। क्रिएटिविटी जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होती है, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर हम मल्टी फेसेटेड तरीके से प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं जेनरेट डाइवर्जेंट थिंकिंग की वजह से होती है। दूसरी बात, क्रिएटिविटी एक तरीके से थिंकिंग का टाइप है, ठीक है? क्रिएटिविटी के अंदर चार स्टेजेस आती हैं एक पर्टिकुलरली एक आइडिया को डेवलप करने के लिए। तो प्रिपरेशन, देन इंक्यूबेशन, देन इंसाइट एंड देन वेरिफिकेशन, ठीक है? इस यूनिट में आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है क्रिएटिविटी के ऊपर, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्लाइड विच इज या डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर हमारा बेसिकली सॉरी डिसीजन मेकिंग के ऊपर अब हम थोड़ा देखते हैं। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग बेसिकली एक थिंकिंग का पार्ट होता है जिसके अंदर हम बेसिकली अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज को, अपनी सोचने समझने की जो क्षमता है या फिर पोटेंशियल है उसको यूज़ करते हैं और एक प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है? जब हम किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में होते हैं
तो एक फाइनल आउटकम तक रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। डिसीजन मेकिंग बेसिकली होल्ड करता है थिंकिंग को, और थिंकिंग हम सबको पता है डिसीजन मेकिंग भी एक हायर मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में हमारी लैंग्वेज और थिंकिंग का ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि आप सिर्फ थिंक कर लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे उस लेवल पे, तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो है ख़राब होती है, और वो उतनी सप्लीमेंटिंग या फिर अच्छी नहीं होती है ना। तो हमें लैंग्वेज का भी यूज़ करना आना चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर, और हमारी थिंकिंग तो हमें चाहिए चाहिए, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली सिंथेसिस होता है अपने लैंग्वेज एंड थिंकिंग का, सो दैट वी कैन यू नो अचीव टू अ फाइनल आउटपुट, ठीक है। और इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पूरी यूनिट में जानेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, विच इज ऑल्सो एक चीज़ मेरे को बतानी थी, यू कैन यू नो यूज़ दीज नोट्स बिकॉज दीज आर वेरी मच क्रिस्प, एंड आप अपने खुद के जो साथ के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, आप इसके पॉइंटर्स भी अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हो, बिकॉज दे कैन बी यू नो हेल्पफुल टू यू इन एनी वे। सो अब बात आती है कॉग्निटिव एबिलिटी की, कि कॉग्निटिव एबिलिटी ना हमारी मेंटल एक्शन होता है, मतलब जब हमारा जो वर्किंग होती है ना हमारे ब्रेन के अंदर, बेसिकली माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर जो हमारी वर्किंग चल रही होती है उसको मेंटल एक्शन कहते हैं, या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज कहते हैं। अगर आप सिंपल से सिंपल चीज भी सोचते हो ना, तो वो भी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर आता है। तो कॉग्निटिव एबिलिटी का ना दो दो साइड होती है, ठीक है। या तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये आपके पोटेंशियल को और आपके मोराल को एनहेंस करती है, कहीं ना कहीं बूस्ट अप करती है, ठीक है। आपके लिए यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर ये आपकी इफ़ेक्टिव थिंक डिसीजन मेकिंग को ख़राब कर देती है। आप जो डिसीजन मेकिंग की आपके अंदर पोटेंशियल थी उसको इनकरेक्ट डिसीजन की तरफ भी लेके जा सकती है, और उसकी वजह से हमारे अंदर कॉग्निटिव एरर भी देखने को मिलता है। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है। अब ये हमारे ऊपर होता है, हम उसको कितना बैलेंस्ड वे में देखने की कोशिश करते हैं और कितना बैलेंस्ड वे में उसकी वर्किंग को समझ पाते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर, नाउ कम्स सर्टेन विजुअल्स एंड देन ओके। अब हम अपना मेन मुद्दा स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट बेसिकली सेशन का, जो कि है थिंकिंग, ठीक है। तो थिंकिंग होता क्या है, लेट्स यू नो चेक इट आउट। सो थिंकिंग इज बेसिकली इन्वॉल्व इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज, सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज या कॉग्निटिव एक्टिविटीज तक सीमित नहीं होता। थिंकिंग आपकी बहुत सारी चीज़ों में, प्लानिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग, सब कुछ आपका, आइडेंटिफाई करना चीज़ों को, सब कुछ आपका बेसिकली बहुत ऑल ओवर हर एक एक्टिविटी में आप थिंकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। थिंकिंग ना एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। गोल डायरेक्टेड क्यों है, क्योंकि आपका एक एम है, एक ऑब्जेक्टिव है, या फिर आपको एक सॉल्यूशन समझना है या सॉल्यूशन तक पहुंचना है, इसलिए वो गोल डायरेक्टेड है, ठीक है। आपके एक एम के साथ कोई ना कोई चीज़ सोचते हैं, ठीक है। और थिंकिंग ना कभी भी रैंडमली नहीं होती है कि बैठे हुए हैं और हम बेसिकली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बेसिकली थिंकिंग क्योंकि एक मेंटल प्रोसेस है। ये जब आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, किसी स्टिमुलाई को इनकाउंटर करते हैं, या किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में आते हैं, या फिर आपको डिसीजन बनाना होता है, एक डिसीजन टेक प्लेस करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपका जो है ये मेंटल, हायर मेंटल प्रोसेस जो है एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये रैंडमली नहीं होता कि आप कुछ भी कभी भी सोचने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सब कुछ एक पर्पस के हिसाब से चलता है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट स्लाइड की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गैरेट इन 1968 वी वर एबल टू सी दैट उन्होंने थिंकिंग को बेसिकली डिफाइन करने की कोशिश की थी, और उन्होंने कहा था कि थिंकिंग इज अ बिहेवियर। थिंकिंग एक तरीके से एक बिहेवियर है। बिहेवियर होता है हमारे एक्शन या हमारा रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। हमारे एक्शन और रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, बिहेवियर। तो थिंकिंग एक तरीके से एक बिहेवियर है, विच इज़ ऑफन इम्प्लिसिट, जो ज़्यादातर इनडायरेक्ट होती है, एंड हिडन, और छुपी हुई होती है सिंबल्स के अंदर। अब वो सिंबल्स कैसे हैं, जैसे कि हिडन इन विच सिंबल्स, बेसिकली एक तरीके से हिडन होती है और इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। अब ये
इम्प्लॉय करता है कुछ चीज़ों को, यूज़ करता है जो कि सिंबल्स हैं, जिसका नाम है इमेजेस, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम अपनी थिंकिंग को एक्चुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो थिंकिंग इज़ अ बिहेवियर विच इज़ ओपन इम्प्लिसिट, दैट इज इनडायरेक्ट एंड हिडन, इन विच सिंबल्स दैट आर इमेजेस, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट आर ऑर्डिनरली इम्प्लॉयड. तो ये हमारी जो है गैरेट की तरफ से 1968 में एक डेफिनेशन दी गई थी थिंकिंग के लिए. आप इसको अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज सो थिंकिंग इज बेसिकली इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड. बेसिकली आप अपनी सोसाइटी को, अपनी सराउंडिंग को देखते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और एक तरीके से अपने आइडियाज़ को एक कंक्लूजन तक पहुँचते हैं इंटरनली इन योर माइंड. ठीक है, आप सोचते हैं. सो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड का मतलब होता है कि कैसे, हाउ एक्सटर्नल और सराउंडिंग इफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस वंस एबिलिटी टू थिंक, कि कैसे हमारी जो सराउंडिंग है हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा सराउंडिंग में रहना या फिर एक ज़्यादा स्टिमुलेटिंग जो प्रोडक्टिव सराउंडिंग होती है वो हम ज़्यादा आजकल देखने को मिलता है कि आजकल की लाइफस्टाइल में पेरेंट्स, आपके पीयर ग्रुप और सारी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देख के चलते हैं ना. तो क्योंकि हमें अपने ब्रेन की जो थिंकिंग है, वो जो प्रोसेस है, उसको उस हिसाब से बेसिकली नर्चर करना है ना. तो इसलिए हमारे जो एक्सटर्नल सराउंडिंग है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो बहुत हद तक हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. अगर आप देखते हैं कि आपकी जो सोसाइटी है वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक है, दबाव डालने वाले हैं, तो आपकी थिंकिंग को वो बिल्कुल अपने जैसा तैयार करने लग जाते हैं. अगर आप देखते हैं कि आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं या ऐसी फैमिली में रहते हैं जहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है स्पीच की और आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो आप ज़्यादा सोशलाइज्ड पर्सन बनने लग जाते हैं और ज़्यादा ओपनली अपने आप को जो है एक्सप्रेस करना, बेसिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीखने लग जाते हैं. तो इस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो एनवायरमेंट है, ठीक है, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ गिल्मर इन 1970 बेसिकली प्रपोज्ड अ डेफिनेशन दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वन यूजेस आइडियाज और सिंबल्स इन फेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी. उन्होंने कहा कि थिंकिंग एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस हो जाता है, जिसके अंदर हम एक चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. एक क्वेश्चन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई यू नो कंडीशन हो सकती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने आइडियाज़ को यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं एज इन फेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी. ओवर्ट होती है बेसिकली एक्सटर्नल, जो आपको बाहर से दिखे, तो आप सिंबल्स का यूज़ करके फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो ये था हमारा अब तक का. नाउ थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्शन. तो थिंकिंग क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्शन है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है. ठीक है, तो ये है हमारा अब तक का. नाउ लेट्स मूव फर्दर. सो लेट मी स्किप और यू नो चेंज टू नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज अब बात आती है कॉमन टाइप्स ऑफ थिंकिंग, कि थिंकिंग के मेन जो मुख्य मुख्य टाइप्स हैं वो कौन से होते हैं. सो हमारे पास पांच तरीके की थिंकिंग हमारे पास आती है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग. लेट मी जस्ट राइट इन द पेन. सो परसेप्चुअल, परसेप्शन मतलब कि, परसेप्चुअल मतलब कि जब आप अपनी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को लेते हो, अपने सराउंडिंग से इन्फॉर्मेशन को या डेटा को या जानकारी को गैदर करते हो और अपने दिमाग में एक मीनिंग देते हो. ठीक है, इसको कहते हैं परसेप्शन. तो परसेप्चुअल या फिर कॉन्क्रीट थिंकिंग जो है वो सिंपलेस्ट टाइप होता है थिंकिंग का, और इसके अंदर हम जो मेन जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना उनके बारे में हम अपने ब्रेन के अंदर फिगर्स को बेसिकली एक तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको तैयार करने की कोशिश करते हैं. ये स्टार्ट होता है एक तरीके से. फिर आती है बात कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्चुअल या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को. ओके सो ये हमारे लिए एक तरीके से सुपीरियर होती है, एक लेवल आगे होती है परसेप्चुअल थिंकिंग से. और इसके अंदर हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूजिंग आर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, और सिंबल्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारी जो फैक्चुअल नॉलेज है अब तक वही चल रहा है. ठीक है, नाउ कम्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एक तरीके से इनसाइट बेस्ड है. इनसाइट मतलब कि जब आपको वो चीज़ समझ आती है या एक पोजिशन आती है जब आपको वो आइडिया हिट करता है आपके दिमाग में. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के अंदर हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, एक्सपीरियंसेस और जो जनरल नॉलेज होती है. ठीक है, अपनी नॉलेज जो आज आप गैदर कर रहे हो या अपने जो एक्सपीरियंसेस अपने अंदर होल्ड करे हुए हैं या फिर जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जो पहले की जो नॉलेज है, आप उसको यूज़ करके क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट कम क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिविटी और क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में समझी है. तो क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर आता है कि व्हेन वी क्रिएट ऑफ न्यू और नॉवल आइडियाज ऑफ ऑब्जेक्ट. जब आप कुछ नया इनोवेट करते हैं, नए आइडियाज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, अब अपने प्रीवियस नॉलेज आपने गैदर कर ली, अब आप थोड़ा उससे आगे जाएंगे और अपने नॉलेज के हिसाब से नए नए आइडियाज़ बनाएंगे, ट्राई करेंगे, फेल भी होंगे, प्रोग्रेस भी करेंगे और फिर जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्टिमुलाई है, जो आपको दी हुई इंफॉर्मेशन है आपकी सराउंडिंग से, उसी को यूज़ करते हैं. ठीक है, उसको अरेंज करते हैं अलग 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 पैटर्न में और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने फाइनल आउटपुट तक पहुँचेंगे. ठीक है, अब बात आती है क्रिटिकल थिंकिंग की. तो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपकी जो है रीजनेबल जजमेंट, मतलब जो एक तरीके से फैक्चुअल नहीं है, आपके पास उसका एविडेंस भी है, आप अपने एविडेंस वाले जजमेंट को यूज़ करते हैं एंड एग्जामिन एजम्पशंस टू रीच टारगेट. बेसिकली आप अपने एविडेंसेस को यूज़ करके अपने एजम्पशन तक एजम्पशन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं. तो ये हमारे 5 तरीके के थिंकिंग टाइप्स थे. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड हेयर वी कम. अब बात आती है प्राइमरी मोड ऑफ थिंकिंग कि कौन कौन से, ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट टॉपिक है आज की सेशन का. तो थिंकिंग के मोड्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, जैसे सेकेंड लेट मी सेटल इट अप. तो अब पहला आता है कॉन्सेप्ट, फिर मेंटल इमेजेस. तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक तरीके से हमारा प्रोपोजिशनल थॉट होता है. प्रपोजिशनल थॉट मतलब कि आप इसके अंदर कुछ प्रपोज करते हैं, कुछ सोचते हैं. ठीक है, आप बेसिकली कोई ना कोई चीज़ जो है क्लेम करने की कोशिश करते हैं. और ये वाला जो थिंकिंग होती है, इसके अंदर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को तैयार करते हैं, आपके जो बेसिकली नॉलेज है उसको स्टार्ट करते हैं तैयार करना. और आप इसके अंदर अपने वर्ड्स को और स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, अब क्या बात आती है, आप अपने वर्ड्स और स्टेटमेंट्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स तैयार करते हैं और कॉन्सेप्ट्स हेल्प करते हैं आपके थिंकिंग को फैसिलिटेट करने में. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो है, जो जनरल नॉलेज है, वो ही तैयार नहीं होगी, तो आप आगे चल के उसको और अच्छी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे. तो आप स्टेटमेंट की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, बेसिकली लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अब बात आती है विजुअल की. अब कुछ थोड़ा सा मेंटल इमेजेस की तरफ चलते हैं. विजुअल थॉट के अंदर क्या होता है, या फिर इमेजिनल थॉट के अंदर क्या होता है, हम मेंटल इमेजेस तैयार करने लग जाते हैं. हम एक तरीके से विजुअलाइज करने लग जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को. जो चीज़ अभी तक शब्दों में या सेंटेंसेस के फॉर्म में हमारे ब्रेन के अंदर थी, ठीक है, हम अब तक उसको उस फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे थे, अब हम उसको विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि मेंटल इमेजेस की फॉर्म में, या फिर बेसिकली अगर हम नॉर्मल में भी देखते हैं तो हमें इमेजेस याद रह जाती हैं. ठीक है, अगर हम एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इमेजेस हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहने लग जाती हैं. ठीक है, तो विजुअल थॉट और इमेजिनल थॉट ये होता है. अब बात आती है हमारा नेक्स्ट की, वो है हमारा मेंटल इमेजेस और मेंटल इमेजरी.
मेंटल इमेजेस के अंदर क्या होता है, एक तरीके से ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टिमुलाई का, दैट आर नॉट प्रेजेंटली बाय द सेंस. बेसिकली माउंटेन एंड कोस्टलाइन इन 2019 ने मेंटल इमेजेस की डेफिनेशन दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेंटल इमेजेस एक तरीके से मेंटल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, हमारे जो थिंकिंग के अंदर चीज़ें होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये विजुअल इमेजेस होते हैं जो कि हम डिस्क्रिप्शन से बनाते हैं, मतलब कि हमने स्टिमुलाई को समझा. ठीक है, जो भी आपकी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, स्टिमुलाई है, जो भी आपको ट्रिगर कर रही हैं चीज़ें आपको एक रिस्पॉन्स देने के लिए, तो उस स्टिमुलाई को हम समझते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन को समझते हैं, ठीक है, डिटेल्स को समझते हैं. ठीक है, और ये कब होगा, जब हम अटेंशन देंगे, अपनी अटेंशन पूरी देंगे, पूरा फोकस करेंगे, तो हम अटेंशन देने के बाद जो है फाइन डिटेल्स को और जो मोटी मोटी डिटेल्स हैं सबको समझते हैं, और फिर हम उसको एक विजुअल इमेज की फॉर्म में बेसिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. तो ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे थिंकिंग प्रोसेस का. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज ओके या अब बात आती है कॉन्सेप्ट की. अब हम कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या करता है ना. कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है एंटायर क्लास को. एंटायर क्लास मतलब की पूरी जो आपकी ग्रुपिंग है उसको. ठीक है, जिसके अंदर एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उस पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड होती हैं. ये बेसिकली डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट की बाय एटकिंसन एंड हिलगार्ड इन 2019. और वो कहते हैं कि जब आप एक पूरे समूह को, जब आप पूरे के पूरे एक सेट को जिसके अंदर एक जैसी चीज़ें होती हैं, जो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड चीज़ें होती हैं, आप जब उनको रिप्रेजेंट करने लग जाते हो, बेसिकली आप ग्रुपिंग करने लग जाते हो, तो वो कॉन्सेप्ट कहलाती हैं. ठीक है, जैसे कि हम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कार्स का. ठीक है, अब कार्स का सबको पता है चार व्हील होते हैं, हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और सारे फीचर्स हम लिख देंगे जो बेसिक फीचर्स हैं जो हर कार में देखने को मिलती है. ठीक है, तो हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कार को एक क्लासिफिकेशन देते हैं, और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है फिर आपकी आ जाती है रोल्स रॉयस. ठीक है, फिर आपकी आ जाती है आपकी होंडास, देन मारुतीस, एंड देन आपकी कोई भी कार जो भी आपकी ब्रॉड ब्रॉड होती है, आपकी ऑडी हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, सारी कार्स जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं. तो ये कॉमन कैटेगरी है या कॉमन क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर आप जो है अपने सारी कॉन्सेप्ट्स को फिर यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं. तो एक तरीके से कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है एंटायर क्लास को, एंटायर ग्रुप को. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट की कुछ पॉजिटिव साइड हैं दैट अगर हम दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट बनाने लग जाते हैं ना, अपने ब्रेन के अंदर थिंकिंग के थ्रू हम कॉन्सेप्ट बनाने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी रिड्यूस करते हैं मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी को. मतलब कि हमें फिर हम क्या करते हैं, हम कैटेगरी बना देते हैं, है ना, हम स्लॉट्स की तरह फॉर्म चीज़ें बना देते हैं, और फिर जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम उसको मैनेज करने में आसान करते हैं, आसानी हो जाती है. जैसे हमारे कंप्यूटर या फिर हमारे डिवाइसेस के अंदर फोल्डर्स होते हैं, और कोई भी नई चीज़ आई तो उस फोल्डर में चली जाती है ना. तो बिल्कुल वैसे हम अपने दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और फिर जब फ्यूचर में आपको कोई नई नॉलेज मिलती है, फिर उसको सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा वो ग्रुपिंग्स में डाल के अपना काम हो जाता है. ठीक है, सो एक तरीके से पॉजिटिव एक चीज़ ये भी है कि इसके थ्रू, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम प्रोटोटाइप को डेवलप करते हैं. प्रोटोटाइप के अंदर क्या होता है, एक टिपिकल एग्जांपल होता है, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को, कॉन्सेप्ट को या सेट को, ठीक है, एक तरीके से एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक सेट हो जाती है कि हाँ अगर ये चीज़ें इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर हैं, मतलब आपकी जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर वो किसी भी इंफॉर्मेशन के अंदर है तो आप उसको उस कैटेगरी के अंदर डालोगे. तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी को या फिर मेंटल पीस को मेंटेन करने के लिए, और आपके जो है थिंकिंग के अंदर प्रोटोटाइप्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कॉन्सेप्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको तैयार करने में. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली हेल्प टू कंपेयर टारगेट ऑब्जेक्ट विद प्रोटोटाइप.
बेसिकली जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, आप हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं हमेशा, ठीक है, कि ये हमारा एक तो आइडियल है, आइडियल मतलब बेसिक है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कोई भी नई चीज़ आएगी तो हम कंपेयर करेंगे कि ये इसके टक्कर दे रही है कि नहीं दे रही है, और फिर हम उसको जो है अपने थिंकिंग प्रोसेस में बेसिकली तैयार करते हैं। तो प्रोटोटाइप क्या करती है, हमें कंपेयर करने को एक एडवांटेज दे देती है कि हम कंपेयर करके इंफॉर्मेशन को एक सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम उसको सेग्रीगेट करेंगे और फिर हम उसको थिंकिंग में यूज करेंगे, ठीक है। सो आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन, सॉरी, स्लाइड व्हिच इज बेसिकली योर हेयर, जिसके अंदर आपको कुछ विजुअल्स देखने को मिलेंगे कि कॉन्सेप्ट होता कैसे है। जैसे कि हमारे पास अलग अलग तरीके की ट्रीज होती हैं, ठीक है, हम एक नॉर्मल एक ये हम इसको प्रोटोटाइप समझ लेंगे। लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ओके, हम इसको प्रोटोटाइप बोल देंगे, ठीक है, ये हमारा प्रोटोटाइप है। मतलब कि आपका जो इसके अंदर हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्री की, हम वो ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास हमें हम आना अब हम बाहर निकले हैं, हमें हमने जो है अलग अलग तरीके के ट्रीज देखने हमने स्टार्ट करे। अब हमने पहला ट्री देखा, हम इसको कंपेयर करेंगे प्रोटोटाइप से और उसको इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। फिर हम नेक्स्ट ट्री देखेंगे, तीसरा, चौथा, ऐसे कर करके हम अलग अलग तरीके के ट्रीज देखेंगे और उसको प्रोटोटाइप की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते जाएंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता क्या है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी ये वाली जो क्लासिफिकेशन है इसको हम बोल देंगे फ्रूट्स, है ना, और इसको हम बोल देंगे वेजिटेबल्स या फिर वेजीज। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पहले से तय है कि हमें कोई भी इस कैटेगरी का, जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो जूसी चीज़ें होंगी, मीठी मीठी होंगी, है ना, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर देंगे, हम फ्रूट में डाल देंगे, है ना। और जो ये वाले ग्रुपिंग है इसको हम पहले नाम दे देंगे वेजिटेबल है ना, इसमें ब्रोकली आ गई, कैरेट आ गई, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमारे जो है कॉन्सेप्ट फॉर्म होते हैं। ओके, आई होप विजुअल के थ्रू आपको और अच्छी तरह एक्सप्लेन हो गया होगा। नाउ लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज प्रपोजिशन, कि प्रपोजिशन क्या थे, ठीक है। नाउ या सो प्रपोजिशन एक तरीके से मेंटल रिप्रेजेंटेशन का एक टाइप है, ठीक है। प्रपोजिशन के अंदर हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे पास, हमें जब हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने थॉट्स की, आइडियाज की, तो उसके अंदर इमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। एक तो होती है सेकेंडरी और एक होती है सेकेंडरी एंड डेरिवेटिव फिनोमिना, दो बेसिस पे चलती हैं जो। और ये जो मेंटल इमेजेस होती हैं ये या मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है थॉट की, ये डिराइव की जाती हैं, निकाली जाती हैं, इनको इवॉल्व किया जाता है फ्रॉम कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस से आप मेंटल इमेजेस को जो है बेसिकली मेंटल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। सो कोर मीनिंग ऑफ द रिलेशनशिप अमंग दी रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट्स, बेसिकली आप मेंटल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर जो बेसिक या जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है सारे कॉन्सेप्ट्स के बीच में, वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप जो है स्मॉलेस्ट जजमेंट भी देते हैं, ट्रू या फॉल्स जैसी एक छोटी सी स्केल पे आप जो है अपना आंसर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको अब आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को मेंटल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप बेसिकली आप अपने आप चीज़ों को जाहिर भी कर पा रहे हैं, और आपके कॉन्सेप्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपको पता ही है। तो उससे क्या होता है, एक तरीके से आप जो है बहुत जल्दी अपने जजमेंट्स ले पाते हैं, ट्रू फॉल्स जैसे एक एक पर्टिकुलर मीन्स के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली थिंकिंग पैटर्न को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रपोजिशन के बेसिस पे बनी है प्रपोजनल थ्योरी। तो प्रपोजनल थ्योरी बेसिकली सपोर्ट्स द व्यू दैट थिंकिंग कैन नॉट बी लिमिटेड टू इमेजेस और वर्क इमेजेस और बेसिकली इमेजेस और वर्क्स, बट इट इज एब्स्ट्रैक्ट। बेसिकली ये वर्ड आप यहाँ से हटा दीजिए, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट लग रहा है मुझे, इमेजेस तक रखिए, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल थ्योरी कहती है कि आप अपनी थिंकिंग को सिर्फ इमेजेस तक कन्फाइन नहीं रख सकते, ठीक है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है,
वो एक बेसिकली बड़ा टॉपिक है, एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है। फिर क्या होता है बेसिकली विच विद नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, प्रोपोर्शनल थ्योरी कहती है कि आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो थॉट्स हैं, ठीक है, उस आपके जो आइडियाज़ हैं, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। आप उनको एक पर्टिकुलर चीज़ तक कन्फाइन बिल्कुल भी नहीं रख सकते। तो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल थ्योरी, मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू मेंटलिस्ट विच इज मोर क्लोजली रिजेंबल द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन बाय स्टर्नबर्ग। बेसिकली स्टर्नबर्ग के थ्रू ये डेफिनेशन दी गई थी मेंटल या फिर प्रपोजिशनल थ्योरी को, दैट मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज मेंटलिस्ट मोर क्लोजली रिजेंबल। बेसिकली आपके जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत हद तक आपके प्रपोजिशन होता है आपके थॉट्स के अंदर जो रिलेशनशिप है, उसकी जो एब्स्ट्रैक्टनेस है, उसकी जो वाइडनेस है, जो उसके अंदर डायनेमिक चीज़ें हैं, उसको रिप्रेजेंट करने में एक तरीके से एक कहीं ना कहीं उसको एक रिजेम्बलेंस देने में, एक फॉर्म प्रोवाइड कराने में लोगों के सामने वो हेल्प करता है, ठीक है। नाउ कम्स कॉन्सेप्चुअल प्रोपोजिशनल थ्योरी। वन थिंग्स अबाउट मीनिंग टू, अब कॉन्सेप्चुअल बात आ गई, ठीक है, नॉलेज बेस्ड बात है। कॉन्सेप्चुअल के अंदर हमारी कैटेगरीज बटी हुई हैं, सब कुछ हो रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करोगे, अब यहाँ पे आप एक मीनिंग भी असाइन करोगे, ठीक है। वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड एज मीनिंग रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट टुगेदर। बेसिकली आप अपने सराउंडिंग को देखोगे, आप उनको बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन में जो दिखाओगे दिखाओगे, और साथ में एक मीनिंग भी शो होगा, और एक जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा डीपन होगा या वाइडन होगा, ठीक है। तो ये है हमारी कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रपोजिशनल थ्योरी। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू थिंकिंग। कुछ फीचर्स हैं या फिर नेचर है थिंकिंग का, कि थिंकिंग ना पैसिव नहीं है, बेसिकली एक बहुत ज़्यादा एक्टिव या फिर सबमिसिव, बेसिकली हम क्या सोचते हैं दैट इट इज़ नॉट दैट मच पैसिव। बेसिकली ये इनडायरेक्ट नहीं है, थिंकिंग बहुत हद तक हमारे लिए इन्फ्लुएंशियल रहती है। सो कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर टू अंडरस्टैंड वन सराउंडिंग। कॉन्सेप्ट जो होते हैं थिंकिंग के अंदर, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, रिलेटेड होते हैं, और फिर वो हमें सराउंडिंग को समझने में हेल्प करते हैं। Now comes the thing that it's the end, guys. Thanks a lot for your attention, and let's meet in the next session. And do like, subscribe, and share.